ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल 1 मार्च 2022 मंगलवार का दिन है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। महाशिवरात्रि का महापर्व रहेगा, तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। धनिष्ठा नामक नक्षत्र होगा तथा मकर राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। अगर किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा आरंभ कर सकते हैं। राहुकाल जो कि दोपहर 3 बजे से शुरू होकर के 4:30 बजे तक रहेगा। राहुकाल के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए। हालांकि राहुकाल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग अथवा कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहुकाल कई स्थानों पर माना जाता है और कई स्थानों पर नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि कुंभ राशि में, वहीं चंद्रमा मकर राशि में, मंगल ग्रह मकर राशि में, बुध ग्रह मकर राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि कुंभ राशि में, शुक्र ग्रह मकर राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु वृषभ तथा केतु वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष वृषभ मिथुन सिंह एवं तुला, ये 5 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए लाभ प्रसिद्ध होगा। कार्यक्षेत्र में उन्नति और प्रगति के भी उत्तम अवसर इनको प्राप्त हो सकते हैं। धन लाभ के साथ साथ मान सम्मान पर प्रतिष्ठा का भी उत्तम अवसर इनको प्राप्त होने वाला है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज का दिन अधिकतम समय आप अपने व्यक्तित्व को निखारने में व्यतीत करेंगे, आत्म अवलोकन में व्यतीत होगा। इससे आपको बहुत मानसिक शांति अनुभव होगी। आर्थिक दृष्टि से दिन उपलब्धि कारक है। धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा, नए आमदनी के स्रोत भी आपके बन सकते हैं। उपाय के रूप में मसूर की दाल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। अगर कहीं पूंजी निवेश या फिर नया काम करने का विचार कर रहे हैं तो आप योजनाबद्ध तरीके से उसको संपन्न करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आज आपका कोई सपना साकार होने वाला है, इसने अपने सभी कार्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखें। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में उचित परिणाम हासिल होंगे और उपाय के रूप में भगवान शंकर जी के मंदिर में सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। धर्म और आध्यात्म के प्रति विश्वास आपके अंदर शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। जीवन के प्रत्येक पहलू पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आपको बेहतरीन उपलब्धि हासिल करवाएगा। नया वाहन, नई भूमि, नया काम या कोई भी ऐसा कार्य आपको मिलने वाला है जो बहुत दिनों से प्रतीक्षारत था, यानी जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। उपाय के रूप में घर से निकलते समय 1 इलायची खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। घर में परिवर्तन की योजना बनेगी या फिर घर बदलने का विचार भी आप कर सकते हैं। सकारात्मक विचारों से आप भरपूर रहेंगे। अगर प्रॉपर्टी या किसी अन्य मुद्दे को लेकर रिश्तेदारों के बीच गलतफहमियां चल रही है तो वो किसी के बीच बचाव से या मध्यस्थता से दूर हो जाएगी। आपसी संबंध आपके पुनः अच्छे हो जाएंगे। उपाय के रूप में चावल का दान किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। पिछले कुछ समय से चली आ रही
आर्थिक समस्याओं का निवारण होगा। काफी समय से रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा। अपनी पढ़ाई के प्रति बच्चों की पूर्ण एकाग्रता रहेगी। दूसरों की समस्या में न उलझे तो ही बेहतर रहेगा। पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर के कहा सुनी या वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। किसी कर्मचारी की लापरवाही के कारण आपको परेशानी पैदा हो सकती है, इसलिए प्रत्येक कार्यों में सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। और उपाय के रूप में लाल रंग का फल यदि आप भोजन के बाद खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा। भाग्यशाली रंग आपका जामुनी होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। इस समय ग्रहों की स्थिति बेहतरीन उपलब्धियां आपको प्राप्त करने का योग बना रही है। आप अपने अंदर अद्भुत ऊर्जा व आत्मविश्वास महसूस करेंगे तथा कार्यक्षमता में इजाफा होगा। अपने मन मुताबिक कार्य करने से आपको राहत मिलेगी। किसी किसी समय भावुकता और आलस्य की वजह से बनते बनते कामों में रुकावट आ सकती है, इसलिए लापरवाही न बरते सभी कार्यों को गंभीरतापूर्वक आपको करना चाहिए। उपाय के रूप में यदि आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में केला चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। कुछ लाभदायक संपर्क सूत्र स्थापित होंगे। दूसरों की समस्याओं व कार्यों को सुलझाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आपके लिए बेहतर सम्मानजनक स्थितियां बनेगी। घर में बच्चों की किलकारी संबंधित कोई शुभ सूचना या अच्छा समाचार मिलने वाला है। संतान की उन्नति तथा प्रगति होगी। नया वाहन, नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। प्रॉपर्टी में भी आपको फायदा हो सकता है। उपाय के रूप में मीठा दही शंकर भगवान के मंदिर में दान करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा। भाग्यशाली रंग आपका आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बाहरी गतिविधियों तथा मित्रों के साथ संपर्कों को और अधिक मजबूत करने के लिए दिन उत्तम है। भाग्य आपके लिए लाभदायक परिस्थितियों का निर्माण करेगा। घर की सुख सुविधाओं संबंधी कार्यों में आपका समय व्यतीत होगा। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपको नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर सकते हैं। आपको मान सम्मान को भी जो है बचा कर रखने की आवश्यकता होगी। और किसी व्यक्ति से यदि आप सौदेबाजी करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उसके बारे में छानबीन करना बहुत आवश्यक होगा, वरना आप नुकसान में आ सकते हैं। और उपाय के रूप में घर से निकलते समय गुड़ खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका नीला होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आज रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर कुछ रचनात्मक और रुचि संबंधी कार्यों में आपका समय व्यतीत होगा। किसी रिश्तेदार के साथ चली आ रही पुरानी समस्या का समाधान किसी के मध्यस्थता से हल हो जाएगा। कुल मिलाकर के समय खुशनुमा रहेगा। रिस्क प्रवृत्ति के लोगों को जो है आज सावधानी बरतना चाहिए। किसी भी काम में रिस्क न लेना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप पीले रंग की कोई भी वस्तु का दान किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। धार्मिक व आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको फायदा होगा। आपका रुझान वहाँ पर ज़्यादा रहेगा। आपको मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ भी महसूस करेंगे। कोई महत्वपूर्ण सूचना या समाचार मिलेगा जिससे मन आपका प्रसन्न रहेगा। कुछ समय से आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है आज उसे पूरे करने का उचित समय है। अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा। और उपाय के रूप में घर से निकलते समय लौंग इलायची खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आज आपको महत्वपूर्ण समाचार मिलने वाला है। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। धन लाभ के साथ साथ नए घर की शुभ सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है। पदोन्नति के साथ साथ आपको कोई ऐसा काम भी मिलेगा जिसका बहुत दिनों से आपको इंतजार था। आर्थिक स्थितियां बेहतर हो जाएगी। कलात्मक क्रियाकलापों में आपकी रुचि रहेगी। अपने मन के मुताबिक कार्य करने से आपको सुकून और प्रसन्नता प्राप्त होगी। दूसरों पर विश्वास करने की बजाय अपनी अंतरात्मा के निर्णय को आपको प्राथमिकता देना चाहिए। आपको अवश्य ही उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा। किसी दोस्त या रिश्तेदार का साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धि कारक रहेगा। और उपाय के रूप में भगवान गणेश जी के मंदिर में यदि आप बादाम चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका बादामी होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की।
आपकी हिम्मत और साहस आज बहुत अधिक रहेगी और उसी के बलबूते पर आप बेहतरीन परिणाम भी हासिल करेंगे। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा, धन लाभ होगा, परिवार में खुशियों का आगमन होगा, शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की योजना भी बनेगी और उपाय के रूप में घर के मंदिर में शहद चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा, भाग्यशाली रंग आपका नीला होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।